हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट नौकरी। मैं हूँ प्रोफेसर रेनु। आज मैं आपके लिए कुछ लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, काफ़ी ये इंपॉर्टेंट डिटेल्स इन्फॉर्मेशन है जो हमें हर जगह न्यूज़ में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिल रहा है। तो उसी पे हम थोड़ा यहाँ पे डिस्कशंस करने वाले कि एग्जैक्ट डिटेल्स यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है क्या, कितना सच है इस बात में, कितना झूठ है, ये सारे डिटेल्स इस वीडियो से हम लोग जानेंगे कि एग्जैक्ट क्या यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है, क्या सच है, क्या झूठ है। तो उससे पहले जिन लोगों ने हमारे स्मार्ट नौकरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप हमारे स्मार्ट नौकरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये स्मार्ट नौकरी चैनल आपके लेटेस्ट वीडियो, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, ए टू जेड अपडेट्स प्रोवाइड करता है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। हम सबको पता है कि कोरोना वायरस यहाँ पे काफ़ी स्प्रेड आउट हो रहा है जो हर जगह काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, स्टूडेंट से लेके बड़ों तक के लेके हर जगह पे ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पे जनता कर्फ्यू लगा है। और 31 मार्च तक यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ चुका गया है, 31 मार्च तक यहाँ पे हर चीज़ बंद रहेगा, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेजेस हो, लोकल ट्रेन हो, रेलवेज हो, हर चीज़ 31 मार्च तक यहाँ पे बंद है। यहाँ तक कि जो दुकानें शॉप है वो भी यहाँ पे बंद किए गए हैं। तो उसमें यहाँ पे कुछ स्टूडेंट लोग का भी एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला था यहाँ पे, जैसे कि 10th का बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट था, तो मंडे को उनका लास्ट पेपर था, मतलब 23 मार्च को उनका लास्ट पेपर था। तो ऑलरेडी क्या था, उनका ऑलरेडी एग्ज़ाम पोस्टपोन कर दिया गया है, वो एक पेपर क्या किया है, पोस्टपोन कर दिया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट के भी कुछ एग्ज़ाम को पोस्टपोन कर दिया गया है। मगर इसमें लेटेस्ट अपडेट्स यहाँ पे ये आया है कि देखो, जैसे मैंने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन, मैंने ये मैसेज यहाँ पे रखा है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट मैसेज जो हमें गवर्नमेंट की तरफ से मैसेज काफ़ी दिखे जा रहे हैं यहाँ पे, जो यूनिवर्सिटी हर जगह से यहाँ पे आया है। तो यहाँ पे आपको साफ क्लियर दिख रहा है कि 1st से लेकर 8th स्टैंडर्ड तक के एग्ज़ाम को कैंसिल कर दिए गए हैं, ठीक है। जो 1st to 8th स्टैंडर्ड का एग्ज़ाम होता है अप्रैल के टाइम पे, वो एग्ज़ाम अभी कैंसिल हो गया है। डायरेक्ट सब बच्चों को पास करके नेक्स्ट क्लास, मतलब 9th की क्लास में उनको प्रमोट किया जाएगा। अब उनको परीक्षा देने के लिए ऐसा मतलब परीक्षा नहीं देना पड़ेगा। तो ये बात तो मतलब सच है, ऐसा कर दिया भी, तो गवर्नमेंट का इन्फॉर्मेशन आ ही चुका है कि 1st वाले से लेकर 8th स्टैंडर्ड वाले का एग्ज़ाम यहाँ पे कैंसिल हो गया, जस्ट बिकॉज इस वायरस की वजह से, ठीक है। कि बच्चों पे ज़्यादा इम्पैक्ट होता है, इसलिए यहाँ पे कैसे क्या करना है, 1st 8th स्टैंडर्ड वालों का एग्ज़ाम अब नहीं होगा, उनको नेक्स्ट क्लास, मतलब उनको नेक्स्ट क्लास में प्रमोट कर दिया जाएगा। तो ये बात तो सच है। अब यहाँ पे थोड़ी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देखो ये आया है कि जो आगे बच्चे हैं, मतलब 9th से लेकर 11th वाले बच्चे हैं, जो आफ्टर जो मतलब 9th से लेकर 11th तक के जो बच्चे हैं यहाँ पे, उनका क्या हो रहा है, ठीक है। तो उनका अभी तक कुछ इन्फॉर्मेशन आया नहीं है, बट इतना डिक्लेरेशंस आ चुका है कि 15 अप्रैल के बाद से ही उनका एग्ज़ाम कंडक्ट कराने की कुछ भी इन्फॉर्मेशन आएगा तो वह 15 अप्रैल के बाद से ही आएगा, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको और इन्फॉर्मेशन, लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन बताना चाहती हूँ, जो डिग्री वाले बच्चे हैं उनका भी यही सुनने में आ रहा है कि उनका भी एग्ज़ाम जो भी डिले कर दिया गया, उनका भी अब एग्ज़ाम 15 अप्रैल के बाद ही होगा, 15 अप्रैल से पहले कुछ भी नहीं होने वाला है, ठीक है। मतलब 31 मार्च तक तो ऑलमोस्ट सब कुछ बंद ही है, सब कुछ बंद है, यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला है। फिर 31 मार्च से 15 अप्रैल तक कुछ ना कुछ डिसीजन, कुछ ना कुछ मैसेज तक, कुछ ना कुछ यहाँ पे नोटिस आएगा, तब उसके बाद अगर कुछ भी कंडक्ट होगा आपका एग्ज़ाम तो 15 अप्रैल के बाद से ही होगा, चाहे वो डिग्री वाले हो, चाहे वो 9th 10th 11th वाले कोई भी बच्चे यहाँ पे हो, उनका एग्ज़ाम अभी 15 अप्रैल के बाद से होगा। तो ये कुछ लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है, ये सच है, यहाँ पे कुछ भी इसमें झूठ नहीं है। बट बहुत सारे लोग को अभी भी काफ़ी डाउट्स है कि कितनी बातें सच है, क्या सच में अभी भी एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा। तो जो मैंने यहाँ पे इन्फॉर्मेशन बताया वही सच है, बाकी और ऐसा कुछ भी नहीं है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नया इन्फॉर्मेशन, एक नया एडवाइस और सजेशन के साथ में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।